नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दो कंपनियों के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया हुआ है और जिसकी वजह से आने वाले हफ्ते में या कल के दिन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऑलरेडी अपने और लॉन्ग डिस्टेंस की सारी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, फिर भी मैं आपको साथ उस कंपनी का रिजल्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ। या देखिए दोस्तों, ये मार्च 2023 के क्वार्टर का रिजल्ट है, यानी Q4 इसको हम लोग बोलेंगे। इसको कंपेयर करेंगे मार्च 2022 यानी Q3, और फिर भी इसको कंपेयर करेंगे मार्च 2022 यानी साल भर पहले ईयर वाइज। देखिए सेल्स का रिपोर्ट में देखिए, इस क्वार्टर में 3632 करोड़ का इनका सेल्स रहा, प्रीवियस क्वार्टर 3613 करोड़ का था और साल भर पहले 312 करोड़, यानी ईयर टू ईयर अच्छी खासी ग्रोथ है और साल और क्वार्टर टू क्वार्टर ठीक ठाक है, कोई नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम देखते हैं तो इस क्वार्टर में 376 करोड़ रहा इनका, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 339 करोड़ था, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा जंप है और जब साल भर पहले देखते हैं 228 करोड़ था, यानी ईयर टू ईयर भी इनका प्रॉफिट जबरदस्त जंप है, 29% का ऑलरेडी ये जंप शो कर रहा है। जब हम अर्निंग पर से अर्निंग सब नेट प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इस क्वार्टर में 112 करोड़ था जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 67 करोड़ था, यानी ऑलमोस्ट 90% का क्वार्टर टू क्वार्टर जंप है नेट प्रॉफिट में, और साल भर पहले 38 करोड़ था, यानी कि यहां से लगभग 3.5 फोल्ड जो नेट प्रॉफिट जनरेट है। ये रिजल्ट इतना बेहतरीन आया है कि आने वाले सत्र में, यानी कि कल ट्यूसडे और थर्सडे सॉरी थर्सडे और फ्राइडे और अगले हफ्ते तक अच्छा खासा इसके अंदर तेजी देखी जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जेके टायर इंडस्ट्री की, जो कि टायर बनाने वाली कंपनी है। आज 17 मई का इनका क्लोजिंग प्राइस 200 रुपया पर क्लोज हुआ है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 4912 करोड़ का है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, इनके चार्ट पर देखिए किस तरह का सिचुएशन बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है और प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की सारी मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड वाली जो लाइन है 100 डेज की ईएमए है, येलो वाली जो लाइन है 150 डेज की है और ग्रीन वाली जो लाइट है वो 200 डेज की है। स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आरएसआई भी लगा के रखा हुआ है और आज के दिन यानी कि 17 मई का आरएसआई 68 है, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है, शो कर रहा है। और आप देखेंगे कि प्राइस जो है तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि इस रिजल्ट के आने का वेट कर रहा है और प्रीवियस हाई के आसपास ही रेसिस्टेंट लिया हुआ है, यानी कि प्रीवियस हाई जो ये वाला जो हाई बना था इसके आसपास में। आने वाले सत्र में आप इस पर नजर बनाकर रख सकते हैं, हो सकता है कि इस रिजल्ट के दम पर ये शेयर आपको इसको तोड़ता हुआ, प्रीवियस हाई को तोड़ता हुआ यानी रेसिस्टेंट को तोड़ता हुआ ऊपर जाते हुआ दिख सकता है और भी बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है दोस्तों। तो इस पर स्विंग ट्रेड के लिए आपको बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे, आपको दूसरे इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका के लेके आ जाऊं नीचे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरी कंपनी जिसका नाम है इंडो अमाइंस, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहां पर देखिए मार्च 2023 यानी Q4 का रिजल्ट, दिसंबर 2022 यानी Q3 का रिजल्ट और साल भर पहले मार्च 2012 का। सेल्स का हम देखेंगे दोस्तों तो इस क्वार्टर में 235 करोड़ का सेल्स रहा है, प्रीवियस क्वार्टर में 211 करोड़ का था, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर भी जंप है और साल भर पहले 214 था, यानी ईयर टू ईयर भी जंप है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अगर देखते हैं तो इस क्वार्टर में 31 करोड़ था, प्रीवियस क्वार्टर में 21 करोड़ था और साल भर पहले इनका सिर्फ 12 करोड़ था, यानी ईयर टू ईयर हम देखेंगे तो 1.5 टाइम्स का जंप है और क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे हम तो 33% का इनका जंप दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया कंपनी ने, जो कि क्वार्टर में सिर्फ 10 करोड़ था और वन ईयर पहले 5 करोड़ था, यानी कि ईयर टू ईयर हम अगर कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स इनका नेट प्रॉफिट में जंप आया है और क्वार्टर टू क्वार्टर हम देखेंगे तो 85% का इनका जंप है। ये रिजल्ट इतना बेहतरीन है आया है रिजल्ट कि हो सकता कि मंडे की आने वाले हफ्ते में इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। ये स्मॉल कैप कंपनी है इंडो अमाइंस 99
0.8 के प्राइस पर आज मार्केट में क्लोज हुआ। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 707 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी बहुत ही एक छोटी कंपनी है। मैं आपको इसके चार्ट पे लेके आया हूँ। चार्ट पर देखिए सिचुएशन क्या बन रहा है। लॉन्ग डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ और लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हुआ है। ये ग्रीन वाली जो लाइन, ये 200 डेज की ईएम है, येलो वाली जो लाइन है 150 डेज की, और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की। आरएसआई भी देखेंगे तो आज यानी 17 मई को आरएसआई इसका 69.27 था, यानी अच्छे खासा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और प्राइस तीनों लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही, अभी भी प्राइस जो आज के दिन के बावजूद 1% की गिरावट के बावजूद भी आज भी ये अपने 200 डेज के मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही जाकर प्राइस जाकर रुका हुआ। यहां पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही बना हुआ है। थर्सडे और फ्राइडे के सत्र में और अगले वीक में इसके अंदर आग लगता हुआ दिख सकता है, अच्छी खासी तेजी दिख सकती है, और ये प्राइस अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो फर्स्ट टारगेट 140 का और सेकंड टारगेट इसका ऑल टाइम हाई जो कि 180 के आसपास का है, के लिए आप जा सकते हैं दोस्तों। और अगर एसएल लेना चाहे तो इसी का लो का एसएल लगाकर इसमें स्विंग ट्रेड का मौका बना सकते हैं और अच्छी खासी प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।